साहब बैठे हुए पीछे जो ढोलक बजा रहे हैं, कहना है बेवजह बेवजह मूछ क्यों बढ़ाते हो और नाक मर्दों की क्यों कटाते हो, डूब मरना था तुमको पानी में, ये औरतों की कमाई खाते हो। लेकिन क्यों, जब ये निकली बनकर कारखाने से, खटारा हो गई देखो ये फिर चालक के चलाने से, नहीं जिस वक्त थी उस दम हवा से बात करती थी, दिलक राजधानी को गोया माहत करती थी, सफर के वास्ते जब कोई अपने घर से आता था इस गाड़ी पे चढ़ने के लिए नंबर लगाता था और कहता था क्या, हेलो मैडम तेरी देह के मस्त जवानी, हेलो जनी क्या गाड़ी, मेरी समझ में अल्लाह कसम नहीं आया, 70,000 लेडीजों से मेरे ताल्लुक हो चुके हैं, यही से जरिया पे रोमन लागे ढई के कपार। अरे कौन सा कपार, अभी देख रहे थे आप ये कौन से मॉडल की हैं, ज्यादा इनकी फीस नहीं है, 500 रुपये बस, अल्लाह पाक कसम। जब 10,000 रुपए दे के ये इसीलिए तो मैंने कहा अल्लाह रे, अभी आपने सुना अल्लाह जवानी, लेकिन मेरा क्या कहना है दोबारा, तेरी देह की मस्त जवानी, हाँ खड़े होके देखिए, ये एक्शन बस यही जानती है, ये चूंकि इनको ये बहुत पसंद है और कुछ नहीं, और जितने मेरे भाई मर्द बैठे हैं ये आपका गाना नहीं सुनने आए, वो देख रहे हैं कि आज इनको तो कव्वाली नहीं गाना चाहिए, कोई बियर बार में रहना चाहिए, है ना, सुनो ए तेरी दे, एक्शन देखिएगा, अमिताभ बच्चन जी भी नहीं किया, शर्त उतार दें, हमसे शर्ट उतरा ले रहे हो, उनसे भी उतराना, ए देखो भाई मेरी उतार दे रहे शर्ट, चलिए उतारे दे रहे, विनय जी कुछ भी कहेंगे मैं करेंगे, मेरा दोस्त है और विनय जी को मालूम है मेरे घर के बारे में, मेरी बीवी के बारे में, अल्लाह जानता है, इतनी स्मार्ट इतनी अच्छी है, विनय जी से पूछ लीजिए, ये आपने देखा अच्छी लगी तुम्हारी भाभी है, सही मेरी कसम, देखिए साहब
ये 2 बजे रात में आई, मगर आप लोगों की मोहब्बत में मेरा टाइम हो चुका है। उस साल भी रिक्साना जी आई थी, टीना जी भी आई थी, सब लेडीजें 2 बजे रात में आती हैं, मगर मैं आपकी मोहब्बत में गाता रहता हूँ। मैं चाहूँ तो भी बंद कर सकता हूँ, मेरा टाइम हो चुका है, इसी को गवाते रहे, मगर नहीं, आप लोगों की मोहब्बत में बैठता हूँ। कितनी इतनी दूर से आते हैं हमारी मोहब्बत में या इनकी मोहब्बत में, सबकी मोहब्बत नहीं बल्कि हम दोनों की मोहब्बत में। इनको देखने के लिए लोग बैठे रहे जिन्हें कहाँ कहाँ से आते हैं। रिहाना जी, हराम के पैसे लेती हो तुम लोग हैं? कसम खुदा की, भाईजान बताइए, जोर से बोलिए। मगर कोई बात नहीं, ये आपकी मोहब्बत है। मैं अभी तक बैठा हूँ और गा रहा हूँ, जरा एक्शन देखिए। तेरी देख के मस्त जवानी, अरे इधर तो देखो, अरे राजा, हाय गोली मारो राजा। हे हे, तुम्हारी शादी कोई हाथी बाती से होना चाहिए थी। क्यों बेचारे को हाथी की जान जाए, चली जाएगी भैया। वो हाँ, सराय में था हाथी, रुखसा से मिलवा दिया था, 3 दिन बुखार आया था रुखसाना को। तेरी देख के मस्त जवानी आ जाता है मुंह में, तेरी देख के मस्त जवानी आ जाता है मुंह में पानी, तेरी देख के मस्त जवानी आ जाता है। हैदराबाद, उज्जैन, रतलाम, उड़ीसा, हैदराबाद, यहाँ लगा करके पाकिस्तान तक हमको किस बात पे याद रखा जाता है कि जो भी गाता हूँ, लेटेस्ट गाता हूँ या भला, पब्लिक को पसंद आता है, इसीलिए आप लोग याद करते हैं। ये जो जितना भी गा रही हैं, आधा मेरा झूठा है, आधा किसी का और है। क्यों, तुम्हारे पास क्या है? ए, खाली 2 गेंद पर ही फूली समा रही। क्यों, तेरी देख के मस्त जवानी आ जाता है मुंह में पानी, करवाती रहोगी कब तक घरों से पहलवानी, मुझसे भी ले तू आके बयाना, मुझसे भी ले तू आके बयाना। ले भैया औकात है तुम्हारी 10 रुपए की, मुझसे भी ले ले तू आके बयाना, रिहाना ओ रिहाना मैं कमरे में। सरी वालो, मैं इसको उल्टा कर दे रहा हूं इस मतले को, क्या कंप्यूटर लौट रहा, ये लौंडा कंप्यूटर से पैदा हुआ। चलो सराय तो ये बाद में जाएगी,
सबके कमरे में अगर रामल गए हे इधर देखो रामल गए कुंभकर्ण का देखो अबे उसकी शक्ल देखो रामल से अल्लाह कसम मिलती जो बगल में बैठा हम तो अल्लाह करम से स्मार्ट है यार आप लोगों के दुआओं से 47 साल का हो गया हूं कहीं से नहीं लगता हूं आज भी देखिए क्या बात है ये आप लोगों के दुआओं की देन है जो मैं आप लोगों को देख देख के खुशी देता हूं चाहूं विनय जी को मालूम है 2,65,000 रुपए एक कैसेट का ले रहा हूं टी सीरीज में चाहूं तो वही गाऊंगा मगर नहीं ये आप लोगों की मोहब्बत अगर ये नहीं मिलेगी तो टी सीरीज मेरे बेकार है मैं कंपनी में बैठ के एक कमरे में गाऊंगा अच्छा नहीं लगेगा जो मजा यहां है वो वहां नहीं और जो मजा यहां है तुमको गाना आना नहीं आता है मैं सरस्वती कसम खा कर रहा हूं सिर्फ तुम बकवास करती हो इधर देखो हम हैं तेरे आशिक पुराने हम हैं तेरे आशिक पुराने जानो दिल्ली सार करते हैं रियाना जी तुम्हारी पार्टी में कोई ऐसा नहीं होगा चेलन दे रहा हूं जो कैसेट में भी कभी दिखे हो आपने फिल्म देखी दिल आशिकाना मैं ऐसे ऐसे म्यूजिशियन रखता हूं जो फिल्मों में बजा चुके हैं जहां पर गोलियां चलती हैं वहां कव्वाली होती है आपने देखा सईद साबरी साहब उन्होंने गाया है यही साहब है मेरे सलामत खान सर यही बजा रहे हैं तबला आप देखिएगा फिल्म जाके इनकी इनका चेहरा देख लीजिए यही है पर्दे पे देखेंगे एकदम फ्रेंड पे सलामत जी दिखेंगे तबला बजाते हुए क्यों इधर देखो हेलो मैडम मैं कूढ़ों को नहीं रखता हूं ये बाजे वाले दरबारी रात था कर दिया उसने कलावती जब ही मेरे हंसी निकल पड़ी सही बात थी ना रिहाना अबे कहां से पकड़ लाती हूं जमादारों को हम हैं तेरे आशिक पुराने जानो दिल सार करते हैं जितने भी हैं तेरे दीवाने जितने भी हैं तेरे दीवाने सबसे ज्यादा प्यार करते हैं अच्छी औरत के ये अच्छे नहीं लगते हैं मार बाल खोले घूम रही हो इसे लग रहा पीपल की भुतनी आई है तो पाना ओ मेरी रिहाना Yeah!
लगी भी। रियाना मेरी बहन को कह रही थी ना, मेरी बहन अल्लाह के करम से मेरी बहन है, तुम्हारी बहन है, तुम खुद जानती होगी, तुम्हारा ईमान जानता होगा कि कैसी कैसी बहन है तुम्हारी। गहना सही बात है, मतला सुनो। तेरी देह के मस्त जवानी, तेरी देह के मस्त जवानी, आ जाता है मुंह में पानी, है इससे अच्छी देखो मेरे घर की नौकरानी। क्या बात है ए छछूंदर, छछूंदर छछूंदर अंदर ले चुकंदर, बगल में बैठा तेरे वो काला बंदर। ए अबे भरमूंजे, जेने कैसे बोल जा, बोलने की तमीज में, अबे सुर में बोला कर बे मनहूस। ये कैसा मुस्कुरा रही है राजा, अरे राजा हाँ कच्चा खाजा। तेरी देह के मस्त जवानी, आ जाता है मुंह में पानी, है तुमसे अच्छी देखो मेरे घर की नौकरानी। सर कहाँ गए? सर इधर खड़े मजा ले रहे हैं। सर इधर आइए, इधर आइए प्लीज, आ जाइए। अच्छा अच्छा, कितने अच्छे हैं देखिए, ये असली मर्द है, मेरी तरफ रहे। जो किंग थे वो मेरी तरफ रहे, और जो किंग से छोटे थे वो उनकी तरफ रहे। उधर लोग खड़े, वो किस लिए खड़े करे गए? उनको इसीलिए भाई साहब ने डंडा दिया कि तुम दूर से दिखाते रहना, हो सकता सवेरे तुम्हारा भी नंबर आ जाए। है इनके अच्छी मेरे देखो मेरे घर की नौकरानी हो, महल्ले में ले भी ना आना, पूरा महल्ला नापाक हो जाएगा। लेकिन क्यों, अभी तो पुलिस महकमे के लोग यहीं खड़े, मेरे घर पे छापा डालने लगेंगे। लेकिन ये सुने, तेरी मेरी प्रेम कहानी, अल्लाह का एहसान है, जिन्हें कितने रिकॉर्ड अपने डायरेक्शन में किए हैं। सुनो ससुर जी अब जी छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। सारा रेदम अपनाया हुआ मेरे ही था। देखे साहब, जो फिल्म बजा है वो कौन सा ठेका बजा? थोड़ी देर के लिए हमें ईश्वरिया राय समझ लीजिए, अब ईश्वरिया राय जी आ रही है। फन देखिए, रियाना जी अब कहाँ नजर तुम मिलाओगी? अब वो बगल में कह रहा था बुढ़ा 6 घंटे लगा था। अब कैसे कैसे पार्टी में रखे हो, तुम्हारी तरफ से लोग बोल देते, ये भी नहीं जानते शेर किसके ऊपर पड़ेगा। वो कह रही हैं हम दबा देंगे तो निकल नहीं सकते थे, वो कह रहे हैं हम दबा के हिलाते रहेंगे। तो वह जो मैं थूकता हूँ ये लोग चाटते हैं। इधर देखिए,
देखिए मोटी महीन अलग अलग करूंगा, मोटी पायल महीन पायल ओरिजिनल। देखिए साहब फन देखिएगा, बस बहुत बढ़िया। देखिए कितनी पायलों को ज्वाइन करूंगा इधर से उधर, ऐसा महसूस हो मैं लहरा रही हूं। एक्शन भी देखिए, नवेली दुल्हन देहात में ब्याह जाती है तो देखिए साहब उसको बाल्टी अगर दे दी जाती है पहली बार कि कुएं से पानी भर के लाओ, तो देखिए वो रस्सी जब डालती है तो रस्सी जो बंधी है बाल्टी में वही रस्सी तो नहीं पहले जाती, पहले बाल्टी जाती है। तो देखिए वो उसके जो पाजेब हैं जब बाल्टी कुएं में डालती है तो कैसे जाती, देखिएगा। अब वो डुबो रही तो उसकी पाजेब हाथों की बोली, अब वो हीच रही। जब बाल्टी टूट के गिर गई तो उसको बड़ा कष्ट पड़ा, वो इठला के आती है, इठला के आती है और चल के जब आती है तो दूर की पायल की आवाज उसकी कैसी आती है उसके साजन के कानों में, जरा देखिएगा साहब। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, दूर की आवाज बैठ जाइए, आगे वाले पीछे वालों को दिखता नहीं है, बहुत मेहरबानी। उसकी पैर पैर की पायल की आवाज आती है, वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता आ रही, वो कैसे आ रही, देखिए साहब कैसे आ रही है। उसने देखा मेरे साजन सामने खड़े हैं तो वो थोड़ा सा शर्माई और कैसे चलने लगी, देखिए इसे। तेजी में वो क्यों आ रही है, अपने साधन से लिपटी पड़ जाती है, कैसे, उसने कहा क्या हुआ, उसने कहा कुछ नहीं हुआ,
उसने कहा कुछ नहीं हुआ, तो उसके पति ने गाना गाया। वो कौन पति था समझिए। क्यों तेरी मेरी प्रेम कहानी ये दुनिया कभी ना भूलेगी, मैं तेरी बाहों में झूलूंगा, आधा पढ़ रहा हूं मैं। बोसा लूंगा गालों का, हंस के मेरा ले ले। क्या गलत नहीं हम कोई जुबान इस्तेमाल करता हूं, शेर ऐसा कहता हूं जो जो माने होते। मैं बोसा लूंगा गालों का, इसके मतलब मैं बोसा लूंगा गालों का, तू भी हंस हंस के गाल का मेरे भी बोसा ले ले, ये मतलब। क्यों तपाना ओ मेरी जान जाना, जब भी तुम सिंगार करती हो, सीधा दिल पे वार करती हो, चलते फिरते मन चलों से तुम प्यार का व्यवहार करती हो। कुछ होता है और हो जाता है कुछ, मरवाना ताकि इनको। बहुत खतरनाक आदमी है भाई, इनसे किसी से नहीं, इनसे जो बैठे हुए हैं सुभाष चंद्र जाऊ, इनका कहना है अपने वजह से हमको मरवा लो और कोई बात नहीं। क्यों आ जाना आ जाना आ जाना आ जाना, अरे मेरे कमरे में आ जाना। जो मेरा काम है तुम इन लोगों से करवा लो, अगर हम उफ करें तो खाल मेरी तुम खिंचवा लो, ना तुमको तीर मारा है ना तुमको तीर मारेंगे, अगर ये लोग मारे तुम इन लोगों से करवा लो। क्या बात है, इसके मतलब ये हो। और रहना भी है ना जी, बहुत खतरनाक आदमी है। आ जाना चली जाना चली जाना, इनके कमरे में